बिहार में एनडीए के सीट बंटवारे के दो दिन बाद चिराग पासवान ने बड़ा ऐलान किया है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के चीफ चिराग पासवान अपने पिता की परंपरागत हाजीपुर सीट से ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उन्होंने बुधवार को इसका ऐलान किया है। खास बात यह है कि चिराग पासवान के पिता दिवंगत रामविलास पासवान हाजीपुर सीट से 9 बार सांसद रहे। 1977 के चुनाव में रामविलास पासवान ने जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। उस चुनाव में उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार को 4.25 लाख वोटों के अंतर से हरा दिया था। ये पहली बार था जब किसी नेता ने इतनी बड़ी जीत हासिल की थी। ये जीत इतनी बड़ी थी कि उनका नाम गिनीज बुक में दर्ज किया गया था। 1977 के चुनाव के बाद हाजीपुर सीट पर रामविलास पासवान का दबदबा बन गया। 1984 और 2009 का चुनाव छोड़कर वो बाकी सभी चुनाव में यहाँ से जीते, तो यहाँ से 9 बार सांसद रहे। आखिरी बार रामविलास पासवान ने 2014 में यहां से लोकसभा चुनाव लड़ा। इसके बाद वो राज्यसभा में चले गए। 2019 में उनके छोटे भाई पशुपति पारस यहां से सांसद बने। दो दिन पहले 18 मार्च ही एनडीए में बिहार की लोकसभा सीटों को लेकर बंटवारा हुआ। इस बंटवारे में बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। जेडीयू के खाते में 16 सीटें आई हैं। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 5 सीटें मिली हैं। वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी HAM को 1 और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल को 1 सीट मिली है। इंडिया 24x7 लाइव टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।